हे गाइस वेलकम बैक टू वन मोर न्यू इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो ओनली ऑन द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की आज का जो टॉपिक का वीडियो है वो है जर्नल का पार्ट टू वीडियो पार्ट वन वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं लास्ट वीक अगर वो आपसे मिस हो गया रहेगा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए वो वीडियो पहले देखिए जहां पे हम लोग ने जर्नल फॉर्मेट और उसके बारे में बताया है उसका कॉन्सेप्ट बताया है सो so देट आपको इस वीडियो को देखने में डिफिकल्टी ना हो और वो आपको इजी लगे सो so, चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं गाइस तो जैसे कि मैंने बताया कि जर्नल का पार्ट टू वीडियो है जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे बट उसके लिए आपको क्या करना है यू हैव टू बी थरर विथ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दैट इज पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है उसको कैसे क्लासीफाई करते एंड द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इफ यू आर नॉट श्योर इफ यू हैव नॉट वॉच अवर वीडियो सो आई मे रिक्वेस्ट यू टू क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट वीडियो ऑल्सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स इन टू द ट्रांजेक्शन तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले वाले वीडियो हमारे जरूर देखे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि ये ट्रांजेक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज फाइव थाउजेंड तो सबसे पहला स्टेप आता है टू क्लासिफाई और आइडेंटिफाई द अकाउंट्स यहां पे अगर आप देखोगे बिजनेस स्टार्ट किया वी हैव स्टार्टेड द बिजनेस व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस वन अकाउंट इज क्रिएटेड इज कैपिटल और नेक्स्ट अकाउंट हमारा यहां पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर ऑलरेडी कैश दिया हुआ है मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगर आपने हमारे वीडियो क्लासिफिकेशन और अप्लाइंग गोल्डन रूल्स को मिस कर दिया है तो जरूर देखिए सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और ये वीडियो में आपको समझने के लिए इजी हो तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रूपीज फाइव थाउजेंड तो यहां पे बिजनेस को कैश आ रहा है बिकॉज वी ऑल ऑलवेज मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो बिजनेस में कैश आ रहा है कैश इज कमिंग इन तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे डेट लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल यह ट्रांजेक्शन था फर्स्ट ऑफ अप्रिल को तो बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश इज कमिंग इन तो ऑलवेज कैश इज एन रियल अकाउंट रियल अकाउंट डेबिट वॉट कम्स इन तो हम लोग कैश को क्या करेंगे डेबिट कैश को करेंगे डेबिट कितने रुपीज लेके आ रहा है वो फाइव थाउजेंड रुपीज तो डेबिट के कॉलम में उसको लिख देंगे फाइव थाउजेंड और कैपिटल कैपिटल कौन दे रहा है राम दे रहा है इज गिवर तो पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्या करते हैं क्रेडिट पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर तो यहां पे राम इज गिविंग व्हाट इज गिविंग ही इज गिविंग कैपिटल सो वी वुड राइट डाउन टू कैपिटल अकाउंट जो अकाउंट डेबिट होता है उसके आगे हम लोग डी लिख देते हैं और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके आगे हम लोग लिखते हैं टू और उसका अमाउंट लिखा जाएगा क्रेडिट के कॉलम में रुपीज फाइव थाउजेंड तो इस ट्रांजेक्शन का राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज फाइव थाउजेंड का जनरल एंट्री रहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और नीचे हम लोग लिखते हैं नरेशन नरेशन क्या होता है जो एंट्री को जो ट्रांजेक्शन को डिफाइन करता है या उसको एक्सप्लेन करता है इन अ ब्रीफ बिजनेस स्टार्टेड सिंपल से नरेशन हम लोग लिख सकते हैं बींग बिजनेस स्टार्टेड तो ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर वन देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर टू तो ये रहा हमारा ट्रांजेक्शन नंबर टू चलिए देखते हैं राम परचेज गुड्स वर्थ रुपीज फाइव थाउजेंड ऑन कैश यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द अकाउंट यहाँ पे गुड्स परचेज किया है सो वन अकाउंट कैन बी परचेज अकाउंट यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा आ जाएगा परचेज और ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है बिकॉज यहाँ पे वर्ड कैश दिया हुआ है तो हमारे दो अकाउंट मिल गए वन इज परचेज वन इज कैश तो जब आप क्लासीफाई करोगे उसको गोल्डन रूल्स अप्लाई करोगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या आती है समझो ये ट्रांजेक्शन था फिफ्थ ऑफ अप्रैल को तो हम यहां पे डेट लिखेंगे फिफ्थ अप्रैल अब परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है तो हम लोग परचेज को क्या करेंगे डेबिट तो पर्चेज अकाउंट वुड बी डेबिटेड और कैश गोज आउट जब भी आप गुड्स पर्चेज करते हो तो आपको कैश पे करना पड़ता है यू हैव टू पे सो द कैश इज गोइंग आउट रियल अकाउंट डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉड गोज आउट तो गोज आउट को क्या करना रहता है अपने को क्रेडिट तो so यहां पे हम लोग कर देंगे कैश अकाउंट को क्रेडिट और उसके आगे लगा देंगे टू और जो अकाउंट डेबिट हुआ उसके आगे लगा देंगे डेबिट दैट इज डी आर परचेज अकाउंट डेबिट फाइव थाउजेंड का गुड्स था तो so हम डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट लिख देंगे और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिख देंगे उसके सामने ही और यहां पे एक नरेशन लिखेंगे बींग गुड्स परचेस सिंपल सा नरेशन लिखना रहेगा जो आपको ट्रांजेक्शन या एंट्री को डिफाइन करता है तो ये था ट्रांजेक्शन नंबर टू यस गाइस मैं आपको एक एक टिप देना चाहूंगा एक ट्रिक देना चाहूंगा इसी ट्रांजेक्शन को आपका क्वेश्चन आएगा सर अगर ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे है समझो कैश के जगह यहां पे आता था राम पर्चेज गुड्स रुपीज फाइव थाउजेंड फ्रॉम शाम तो सिंपल है जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो रिमेंबर एक अकाउंट तुम्हारा पार्टी का हो जाएगा पार्टी मतलब जिससे हम लोग ने गुड्स खरीदा है या जिसको हम लोग ने गुड्स बेचा है तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन देखेंगे और उसमें देखेंगे कि वो पार्टी का नाम कैसे आता है अगर गुड्स परचेज कर रहे हो तो एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अगर गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो जो अकाउंट को सोल्ड किया है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को किया है जिस पार्टी को सोल्ड किया है वो हो जाएगा डेबिट जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मैं आपको दिखाने वाला हूं चलिए देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड ये रहा हमारा ट्रांजेक्शन नंबर थ्री जैसे कि मैंने पहले वाले ट्रांजेक्शन में बताया कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा तो यहां पे ट्रांजेक्शन देख लेते हैं पहले राम सोल्ड गुड्स रुपेज फिफ्टीन हंड्रेड टू मिस्टर मेहता यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर कहीं पे भी वर्ड कैश नहीं लिखा है जैसे परचेज गुड्स के अंदर लिखा था डेट इज ट्रांजेक्शन नंबर टू में तो यहां पे क्या हो जाएगा एक अकाउंट तुम्हारा हो जाएगा सेल्स क्योंकि गुड्स सोल्ड किया है तो यू आर सेलिंग गुड्स तो फर्स्ट अकाउंट इज सेल्स यहां पे मैंने जैसे आपको ट्रिक दिया था एक तरीका दिया था हिंट दिया था टू रिमेंबर दैट इन एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन वन अकाउंट आई डेबिट और क्रेडिट वुड बी अ पार्टी नेम अगर आप गुड्स सोल्ड करते हो गुड्स परचेज करते हो असेट्स सोल्ड करते हो असेट्स परचेज करते हो ऑन क्रेडिट देन वन अकाउंट हैज टू बी और एनी पार्टीज नेम एनी इंडिविजुअल नेम पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा तो यहां पे सेवेंथ अप्रैल हम ये डेट अज्यूम करते हैं सेवेंथ अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन हुआ मिस्टर मेहता इज एन पर्सनल अकाउंट हु इज रिसीविंग गुड्स वेन यू आर सेलिंग गुड्स वन वुड रिसीव तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप गुड्स दे रहे हो बेच रहे हो एंड मिस्टर मेहता इज रिसीविंग तो डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेहता अकाउंट डेबिट क्योंकि वो गुड्स रिसीव कर रहे हैं और हम लोग सेल कर रहे हैं सेल इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज एन इनकम फॉर अस एंड इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अंदर करते हैं क्रेडिट एब्सोल्युटली करेक्ट तो यहां पे हम क्या करेंगे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1500 का अमाउंट है तो मिस्टर मेहता के सामने डेबिट कॉलम में 1500 अमाउंट लिख देंगे और टू सेल्स अकाउंट हम लोग क्रेडिट के कॉलम में 1500 लिख देंगे डेबिट एंड क्रेडिट हैज टू बी इक्वल यहां पे आएगा बींग गुड्स सोल्ड आप अगर चाहिए तो ट्रांजेक्शन नरेशन के अंदर ट्रांजेक्शन का कोई पार्ट लिख सकते हो जैसे सोल्ड गुड्स तो यहां पे लिख सकते हो बींग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बींग गुड सोल्ड टू मिस्टर मेहता जो आपको ठीक लगे ट्रांजेक्शन का ही पार्ट आप नरेशन में लिख सकते हो ये दूसरा हिंट मैं आपको दे रहा हूं चलिए देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर फोर ये रहा ट्रांजेक्शन नंबर फोर दैट इज पेड सैलरी रूपीज टू थाउजेंड यहां पे गाइस थर्ड एंड में दे रहा हूं जब भी नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्वमेंट होता है और उसका वर्ड पेड लिखा हुआ रहता है पार्टी का नाम आय का ना है दिस ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज कंसिडर इन अ कैश बेसिस और ऑन अ कैश बेसिस तो यहां पे एक अकाउंट होगा तुम्हारा सैलरी विच इज अ नॉमिनल अकाउंट और जब आप पेड कर रहे हो आप किसी को सैलरी दे रहे हो आप क्रेडिट में तो दोगे नहीं दैट इज लॉजिक यू हैव टू गिव इन ऑन द कैश बेसिस आदर आप कैश दो या तो बैंक के थ्रू ट्रांसफर कराओ दोनों हम लोग कैश ही मानते हैं तो ये टेंथ ऑफ अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुआ सैलरी विच इज a nominal अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को करते हैं। डेबिट एंड सैलरी इज एंड एक्सपेंस फॉरअस तो हम लोग ने भी कर दिया डेबिट और हम लोग पे कैसे कर रहे हैं कैश के थ्रू यहां पर कुछ वर्ड लिखा नहीं है अगर समझो यहां पर लिखा रहता ट्रांसफर बैंक एनई लिखा रहता या विथ ऑनलाइन ट्रांसफर नेट बैंकिंग लिखा रहता तो यहां पे दूसरा अकाउंट आ जाता बैंक अकाउंट बट यहां पे लिखा नहीं है तो वी आर अज्यूमिंग इट इज ऑन द कैश बेसिस कितना सैलरी पे किया टू थाउजेंड तो डेबिट के कॉलम में टू थाउजेंड क्रेडिट के कॉलम में टू थाउजेंड और इसका एंड में क्या आएगा एक नरेशन बीइंग सैलरी पेड तो ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर फोर पेड सैलरी रुपीज टू थाउजेंड जहां पे हम लोग ने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया है गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे और उसके जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं वो चेक करेंगे एंड यस जीएसटी पे भी मैं अपलोड करने वाला हूँ वीडियो की जीएसटी की एंट्री कैसे आती है सो फॉर दैट वॉट यू हैव टू डू यस एब्सोल्यूटली करेक्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द चैनल जब भी ये वीडियो अपलोड होगा एंड आपको लाइक like करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है सारे लोगों के साथ सो so दैट उनको भी जो डिफिकल्टी है अकाउंटिंग समझने में वो इजी हो जाए टिल देन टेक केयर कीप वॉचिंग द वीडियोस